मनी मनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द मंथ। डाउनलोड द 7 सीज मनी ऐप एंड गेट 2% टू 25% कैशबैक मनी ऑन योर मंथली एक्सपेंस। इटावा में 36 घंटे लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लगातार 36 घंटे से तेज बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। कई मकान गिरकर ध्वस्त हो गए। मलबे में दबकर बाइक समेत कई कीमती सामान दब गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। अभी भी घरों में बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। लोग दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर है। स्कूली बच्चों को पढ़ने के लिए गाँव से निकलना मुश्किल हो गया है। तेज बारिश से चारों तरफ रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश होने के संकेत दे दिए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है जिससे जनता को कोई राहत की सांस मिल सके। घरों में भरे पानी के लिए ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने जिले के SDM पर सूचना देने की बात कही। अब देखना होगा कि लोगों को गाँव में भरे पानी से कब तक निजात मिल पाएगा या फिर कोई बड़ा हादसा होने पर प्रशासन की नींद खुलेगी। कैसे आपका ये जो मकान गिरा है बारिश के कारण, तो क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा बहुत नुकसान हुआ है। टीवी उसमें रखी है, कूलर वहाँ में रखा है, मोटरसाइकिल उसमें रखी है, दो साइकिल उसमें रखी, पंखा। लगभग कितना नुकसान हो गया आपका? 1.5 लाख रुपए का। 1.5-2 लाख को सामान है। तो अभी तक सरकार को, आपने किसी कर्मचारी को कोई सूचना दी? अरे कोई आई नहीं है। जल भराव है, क्या मामला है? ये मामला क्या है, नाले के लिए मैं ऑनलाइन जिलाधिकारी महोदय जी को भी करवा चुका हूँ, मुख्यमंत्री योगी जी को जी श्री मान दे चुका हूँ। मैं सारा सिस्टम मनवा के मैं सरकार से बहुत गुजारिश की है। आपके बहुत ही नज़दीक मुख्यालय लगा हुआ है, आपने अभी तक इन लोगों की शिकायत मुख्यालय नहीं? मैंने दर्ज करवाई है, ऑनलाइन सिस्टम से मैंने दर्ज करवाई है। क्या लग रहा है आपको निजात पाएंगे इससे? नहीं लगता है। क्या लग रहा है, एक तरफ योगी और मोदी सरकार स्वच्छता भारत अभियान में चला रही है, वहीं इस गाँव में दिख रहा है कि यहाँ बहुत हालात ख़राब हैं। क्या लग रहा है आपको निजात मिलेगी सरकार से? नहीं मिल पाएगी श्रीमान जी। मेरी ग्राम पंचायत छोटी है, उसमें छोटे निधि आता है जिसमें जिससे आप नहीं करवा सकते जी। जिस नहीं 14वें व्यक्ति में जिससे 10.5 लाख रुपये पूरे साल में है, वो नाली खरंजा टूट फूट प्रधान मानदे वगैरह और नल मरम्मत कई एक प्रकार की जो योजना है उनमें पैसा वो खर्च हो जाता है। नाले के लिए तंगड़ी ही वो चाहिए निधि। तो आपने अभी तक जिलाधिकारी से सूचना की है? जी जी, ऑनलाइन से भी किया है और मैं स्वयं मिला भी हूँ। क्या आपको आश्वासन दिया गया? उन्होंने क्या कहा था कि 1 माह के अंदर मैं किसी पंचायतों से पैसे ऐसे कटवा के मैं ऊपर से आदेश करवा दूँ। अब ये यहाँ से जल भराव इतना तेज हो चुका है, जो आपने अभी तक सूचना की दोबारा? नहीं दोबारा सूचना दोबारा कम दो 3 बार मिले। मैं SDM साहब को भी बता चुका हूँ, नेपाल साहब भी आए थे सवेरे, सचिव हमारी सचिव अंजुला यादव और नेपाल साहब दोनों लोग बरसत में। क्या नाम है लेखपाल का? नेपाल। किस गांव से आप प्रधान हैं? पंचायत। ये देख रहा हूँ जो अभी मैं ग्राम पंचायत में आपके घूम के आया, तो वहाँ पे काफ़ी जल भराव है, जो लोग अस्त व्यस्त हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, घर में कैद हैं। क्या मामला है ये? ये जो हमने पहले वो मशीन लगाई थी JCP की, जो जनता ने पहले साफ नहीं की, तो अब वो गाँव में पानी भर गया। तो आपने उच्च अधिकारियों से अभी तक कोई शिकायत नहीं की जो आपके यहाँ इतनी तेज गंदगी हो गई और लोग अंदर कैद हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्या मामला है? जी हमने करी थी, हमने किससे की? साहब से। वहाँ तो बड़ा दयनीय स्थिति हो गई है, जो घर से बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी निकलने को तबाह हैं और घर के अंदर कैद हैं। क्या ये वहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं? अभी वहाँ तो कोई ना मशीन है ना कोई नाला खुदा हुआ है।